भूषिताय गौरी स्तुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। भगवती जगदम्बा मात की जय। आज हर्ष और उल्लास का दिन, माँ जगदम्बा भगवती जगत जगदम्बी मैया के प्रांगण में भगवान हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की वर्षा संपूर्ण पटियाला निवासियों के ऊपर प्रसाद में वितरित हो रही है। इस शुभ अवसर पर अलग अलग स्थानों से धर्माचार्य संत महात्मा अलग अलग स्थानों से कई अलग अलग प्रांत से आगमन हुआ महापुरुषों का। हमारे बीच में कई अलग अलग अखाड़े से संत समाज श्री पंचायत के अखाड़ा महानिर्वाणी के परम पूजनीय परम आदरणीय भारत साधु समाज के अध्यक्ष महंत बंसीपुरी जी महाराज, परम पूजनीय परम आदरणीय महंत लक्ष्मी नारायणपुरी जी महाराज जो संगमेश्वर महादेव मंदिर चिंतपूर्णी धाम से व भिन्न भिन्न संस्थाओं के सभी मानोभावगण संत महापुरुष और पवन गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि विगत कई वर्षों से ये हनुमान चालीसा का आयोजन और ये परंपराओं को लेकर के हिंदुस्तान शिवसेना के सैनिक मुझे काफी लंबा समय हुआ इस आयोजन में आने के लिए। मैं देख रहा हूं कि कई वर्षों से अधिक ज्यादा संख्या में हमारे मानोभावगण मात्र शक्ति इसमें सहभागी बनकर के भगवान के कार्य में अग्रसर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये सभी बड़े पुण्य के भागी है। आज हमारा देश हमारी परंपरा को संभालने की आवश्यकता है। हनुमान जी की कृपा और पवन गुप्ता जी जैसे संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर घूम करके सनातन धर्म का अस्तित्व और सनातन धर्म का एक हुंकार लेकर के हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा ज्ञान और विज्ञान हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाऋषियों ने और वेद और उपनिषदों में ये कहा गया है कि जब जब धर्म के ऊपर कोई संकट या धर्म का कहीं ना कहीं खतरे में आता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद और हनुमान चालीसा के पाठ से हम संपूर्ण त्रिलोक में, संपूर्ण भारत वर्ष के अंदर तो क्या ऑल वर्ल्ड में भी हम हनुमान जी की कृपा से हम अपने यश और अपनी कीर्ति को पुनः स्थापित करते हैं। पूर्व में कोविड काल चला, पूर्व में अभी पीछे कोविड काल में हमारे कई व्यवस्थाओं के ऊपर क्षति पहुंची। हमारे धार्मिक मठ मंदिर, हमारे विद्यालय, हमारी कई परंपराओं के ऊपर जो है एक छोटे से वायरस ने आकर के हमारा सारे अस्तित्व को ऊपर पानी फेर दिया। ऐसे समय में हम अपने घर में बैठ करके, हम अपने स्थान पे एकांत में बैठ करके हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पवन गुप्ता जी के कई संदेश हमारे ऊपर आए और उनने कहा कि स्वामी जी, जितना हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। आने वाली जो संगत है वो अपने घर में बैठ करके, अपने स्थान पे बैठ करके
हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि ये महामारी, ये वायरस जो है वो कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी की कृपा से इसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों को सभी को अपने जो युवा साथी हैं या हमारे जो बच्चे हैं या हमारी मातृशक्ति है, हमको सबको अवगत करवाना चाहिए कि हम जो है भगवान हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि कलयुग में रामचरित्र मानस में एक चौपाई है कि कलयुग केवल नाम धारा अर सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान राम का ही नाम आधार है, कलयुग में भगवान राम की कृपा के बिना हम संपूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकते। राम और हनुमान एक ऐसी शक्ति है, संपूर्ण जीवन को एक शक्ति एक ऊर्जा दे सकती है। भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम समाज को यही संदेश दे सकते हैं, हम युवाओं को यही संदेश दे सकते हैं और ये संगठन को जो चला रहे हैं, हमारे अलग अलग भारत के कई कोने में अलग अलग स्थानों पर जो चला रहे हैं, पवन गुप्ता जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। पवन गुप्ता जी को भगवान हनुमान जी ऐसी शक्ति दे जिससे कि ये संगठन बढ़ चढ़ के संपूर्ण देश में इसके ऊपर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा बने और हमें शक्ति प्रदान दे, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु।